नमस्कार नमस्कार दीदी नमस्कार। काचे कर रहे हैं भैया? हाँ, टमाटर की नर्सरी लगा रहे हैं दीदी। अच्छा, नर्सरी बेड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो हम लोग को सिखाइए भैया। हाँ सीखिए दीदी, बहुत अच्छा समय पर आ गए हैं आप। हाँ तो ठीक है, सिखाइए दीदी। नर्सरी के लिए हम सारी व्यवस्था रख ले हैं, सब सामान है, आपको है दिखाते हैं। ठीक, देखेंगे भैया। टमाटर की नर्सरी लगाने में दीदी इतना सामान की जरूरत पड़ता है, वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भैया। देखिए दीदी, नर्सरी करने के लिए बीज है, टमाटर का बीज है। हाँ ठीक है। और थाली एक है, और फिर एक छोटा थाली है ठीक। और फिर एक कटोरी, मतलब ये हो गया डीएपी खाद, डीएपी खाद, और ये हो गई पिराडोन पाउडर है पाउडर जी। इतने अभी ज़रूरत की सामान। हाँ देखिए, ये निवारी है दीदी। ठीक है भैया। और एक बाल्टी पानी है। अच्छा। और फिर लोटा भी इसके अंदर है। हाँ ठीक है भैया। देखिए लोटा है इसमें, और फिर ये कुदाल हो गया जी। कौन कंपनी के है भैया टमाटर जलाए हैं से? ये हाइब्रिड कंपनी के है दीदी, और ये US 1080। ठीक है भैया। ये दीदी हाइब्रिड है, इसलिए हाइब्रिड बीज को हम लोग बीज शोधन नहीं करते हैं, ये बीज शोधन किया हुआ रहता है। और अगर देसी टमाटर लगाएंगे तो बीज शोधन करना पड़ेगा। ठीक है जी भैया, सब कुछ तो दिखाई दिए, कैसे आप बेड तैयार करते हैं, कैसे नर्सरी टमाटर के करते हैं से दिखाइए। ठीक है दीदी, दिखाते हैं दीदी। इसको ज़मीन को दो चार बार कोड़ेंगे, जिसे महीन हो जाए और बारीक बन जाए। ठीक है भैया। कोड़ने से मतलब हल्का माटी होगा? जी हाँ दीदी, ये कोड़िएगा ना तो ये मुलायम होगा, और इसका जड़ अच्छी से मतलब यह होगा जी। हाँ दीदी, अभी नर्सरी बेड को हम ये पेड़ करके बराबर करेंगे। ठीक है। हाँ काय बराबर कर लेंगे, समतल हो जाएगा ना, तो आपका बीज गिराने में बड़ा आसान होंगे जी। इसको पेड़ लेना ज़रूरी है ढमकुल से, और सब समीक बना देना है। ठीक है, समझ रहे हैं दीदी? दीदी अब तैयार हो गया बेड। ठीक है। अब इसमें नर्सरी पर हम डीएपी खाद छिड़काव कर देंगे। डीएपी खाद? जी हाँ। ठीक है भैया। हाँ दीदी, अब इसमें पिराडोन पाउडर छिड़काव कर देंगे। हाँ ठीक है भैया। दीदी अब इसमें डीएपी पड़ गए और पिराडोन पाउडर भी पड़ गए, अब इसको इस डमकुल के द्वारा पेड़ देंगे। मिला रहे हैं भैया? हाँ इसमें मिल जाएगा भी, और ठीक यह हो जाएंगे, मिलना चाहिए ना। हाँ इसे मिल गया ये मिट्टी में। हाँ भैया मिलना जी, चाहिए। हाँ तो ये मिला देते हैं पेड़ से, मिल गया ये। ठीक हो गया दीदी? ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया, मिल गया। ठीक है चलिए। अच्छा भैया, डीएपी खाद काहे के लिए डाल रहे हैं भैया, अब पिराडोन पाउडर? हाँ डीएपी देने से दीदी पौधे को जन्म से शक्ति मिलते हैं। ठीक और पिराडोन पाउडर से कीट नियंत्रक जी है, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते हैं। नहीं लगता? हाँ, हाँ कोई तरह से पौधा में क्षति नहीं होता, इसीलिए देते हैं। ठीक है। अब दीदी इसमें मिला दिए हम, नर्सरी में सब मिला दिए, अब इसमें लाइन काटेंगे। लाइन? हाँ लाइन खींचेंगे। ठीक है। हाँ बीज गिराने के लिए। ठीक जी दीदी, अब इसमें लाइन काटेंगे। ठीक है भैया। हाँ इसमें, हाँ लाइन काटेंगे इसमें। देखिए इस तरह से लाइन काटेंगे दीदी, है ना? है। हाँ देखिए दीदी, अब बीज हम निकाल रहे हैं। ठीक है भैया। और इसको एक एक करके गिराएंगे, आने सीरी विधि का नियम से ही एक 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 करके गिराएंगे, है ना? ठीक है भैया। देखिए दीदी, अब पंक्ति से एक एक बीज करके गिराएंगे। ठीक है भैया। एक एक बीज, इसमें इसका प्राथमिकता ही है कि एक एक बीज गिराना। ठीक है। यही सीरी विधि हो गया दीदी। लाइए भैया, हम जरूर मदद कर देते। हाँ गिराइए दीदी, गिराइए।
अच्छा ये भैया जी गड्ढा करके काहे के लिए बीज गिराए हैं? हाँ जी, पौधा ही मजबूत उगते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है मिट्टी ऊपर से पड़ जाता है तो पौधा का जड़ मजबूत होते हैं, आप पौधा मजबूत उगते हैं इसीलिए, मजबूत रहे, हाँ इसीलिए मतलब गड्ढा करके उसमें बीज गिराना, ऊपर से मिट्टी ढकना। जी हाँ दीदी, अब बीज गिर गए हैं, अब इसमें इसको समतल कर देंगे, मिट्टी को इसे पाट देंगे पाटा से और इस समतल हो जाएंगे, इसे मिट्टी से ढक जाए, बीज ढक देना है, बीज ढकने के लिए इसको चलाना पड़ेगा दीदी ऊपर से हल्का 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 कि मिट्टी से ये ढक जाए ताकि बीज वो दिखाई नहीं पड़े ऊपर में, और क्या होंगे कि बीज जन्मेंगे मजबूत, जन्मेंगे पौधा अच्छा, हाँ अच्छा आएगा, सारी हर बीज अच्छा से अंकुरित हो जाएंगे और जन्मेंगे। दीदी अब बीज इस पर ढक गए, अब इस पर निवारी से ढकेंगे, जी हाँ इस पर निवारी से ढक देंगे दीदी, निवारी दीदी इस पर हल्का हल्का ढकना है, केवल धूप से बचाओ पानी से बचाओ, ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं देना है, हल्का हल्का निवारी देना है दीदी, जी हल्का निवारी के दीदी अब निवारी से ढक दिए, इस पर पानी छिड़काव करना है दीदी, और इतना ही छिड़काव करना है कि जिसमें धरती में केवल नमी आ जाए, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, हल्का हल्का फुहारा देना है दीदी, जिसे जन्म में इसको कोई दिक्कत ना होवे, जी हाँ केवल नमी बनाने के लिए हाल भर पानी इसमें छिड़काव करना है दीदी, एकदम हाथ के सहारे एकदम फुहारा मारते हुए दीजिए, ठीक है, हाँ 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 जी जी हाँ नमी आ जाते हैं, और ज़्यादा मिलमानी पटाना इसको नहीं है, हल्का हल्का फुहारे करके देना। भैया आप तो नहीं कुछ काम है भैया, कुछ नहीं करना इसमें? अब ध्यान देने की बात तो यही है दीदी कि अब इसमें निवारी का बिचड़ा है, इसको है कि देख रहे हैं कि अंकुरण आ रहा है, तो इसको निवारी के 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं कि अंकुरण आ रहा है बीज में, तब इसको हटाना है, हटाना हाँ यही इस पर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, ठीक है भैया, अगर निवारी दीदी नहीं हटाइएगा तो पौधे आपको ख़राब हो जाएंगे, हाँ हाँ गर्म से ख़राब हो जाएंगे जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब हम ऐसे ऐसे करके टमाटर के नर्सरी लगाएंगे। हाँ दीदी हाँ, एक बात ध्यान रखिए दीदी, आप जाइए और नर्सरी लगाइए, अगर आपका देसी बीज है तो बीज शोधन करके लगाना होगा, ठीक है, अगर बीज आपका हाइब्रिड है तो इसी तरह से लगाना होगा, इसी तरह से, जी हाँ ठीक है भैया जी, और लोग को सिखाइए भी, अपने भी करिए और लोग को भी सिखाइए, इसे कहा हुआ उपज अधिक मिलेगा आपको, हाँ हाँ तो है ये भैया, हम भी लगाएंगे और दूसरों को भी लगवाएंगे, ठीक है।